आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी सुनील के साथ। जब भी किसी घर का सौदा सस्ता हो तो लोग उसे खरीदने का मन बना लेते हैं। आज की कहानी राजेश की है, जो ऐसे ही एक सस्ते भाव में मिल रहे घर का सौदा करने जयपुर आता है। जयपुर आकर राजेश अपने जानकार प्रॉपर्टी डीलर वाले के पास चला जाता है। वो डीलर राजेश को लेकर उस घर पर आ जाता है। घर काफ़ी पुराना लग रहा था। डीलर राजेश को घर दिखाने अंदर ले जाता है। राजेश घर देखते हुए डीलर से कहता है, बाहर से तो घर पुराना सा लग रहा था, अंदर से मानो यहाँ कोई रह रहा हो। घर में सफाई भी हो रखी है। डीलर कहता है, हाँ घर तो साफ सा लग रहा है, सकता है यहाँ कोई भूत रहता हो और वही सफाई करता हो। राजेश और डीलर दोनों हंसी का ठहाका लगाते हैं, पर डीलर की ये मजाक में कही बात सच निकलेगी ये राजेश को कहाँ पता था। राजेश एक दिन पूरा यहीं बिता के घर और आसपास की लोकेशन भी देखना चाहता था। राजेश डीलर से घर की चाबियां ले लेता है। डीलर चाबियां देकर चला जाता है। दोपहर को राजेश रूम में बैठ के अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और राजेश को एक आवाज़ सुनाई दी। राजेश उठ के रूम की खिड़की से बाहर हॉल में झांकता है तो उसकी भौहें हैरानी से सिकुड़ जाती है। राजेश को हॉल की सीटियों में एक उम्र दराज आदमी बैठा दिखाई देता है। राजेश रूम का दरवाजा खोल के सीटियों की तरफ देखता है तो सीटियों पर कोई नहीं था। राजेश इसे अपनी आंखों का वहम मानकर इग्नोर कर देता है। शाम हो गई। राजेश शाम को नहाने बाथरूम के अंदर था। नहाते वक्त किसी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। राजेश दरवाजा खोल के देखता है तो उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। राजेश जल्दी से नहाकर बाहर आता है और बाहर आते के साथ ही दोपहर का किस्सा भी उसके दिमाग में घूमने लगता है। राजेश उस घर के बारे में और जानने के लिए घर से बाहर आसपास के लोगों से पूछताछ करने निकलता है। राजेश को सामने थोड़ी दूरी पर एक चाय की शॉप दिखाई दी। वो वहां जाके बैठ जाता है और एक चाय ले लेता है। चाय बनाते बनाते राजेश उन बूढ़े काका से कहता है, काका आप जो वो सामने वाला घर देख रहे हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? बूढ़े काका कहते हैं, क्यों क्या हुआ बेटा? राजेश कहता है, नहीं कुछ खास नहीं, बस वो प्रॉपर्टी बिकाऊ थी तो मैं उसे देखने के लिए आया हुआ हूँ। चाय बनाते बनाते बूढ़े काका रुक जाते हैं और कहते हैं, उस घर में रूह रहती है बेटा, ये रूह उस घर को ना कभी पहले बिकने दी और ना अब बिकने देगी, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए साहब। इतना सुनते ही वहाँ का माहौल एकदम शांत हो गया। राजेश अपनी चाय खत्म करके उठ के तुरंत घर आ जाता है। घर आके राजेश उस प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगा के उसे सारी आपबीती बताता है। तो वो डीलर राजेश से कहता है कि वो घर काफी टाइम से खाली पड़ा है, इसे खाली पड़े घर को देख के आसपास के लोग उस पर कब्जा करने की सोच लेते हैं और कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी बिके ना। आप चिंता मत कीजिए, उस घर में ऐसा कुछ ही नहीं है, कोई भूत भूत नहीं है उस घर में। इतना करके फोन कट हो जाता है। राजेश एक दिन और यहीं बिताने की सोचता है। रात हो गई। राजेश सो रहा था और उसकी नींद एक आवाज से टूट गई। राजेश तुरंत दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक आवाज आती है।
लालची से उठ के दौड़ता हुआ रूम से बाहर जाके देखता है, मगर बाहर राजेश को कोई दिखाई नहीं देता। अचानक राजेश के सामने से एक परछाई गुजरती है और भागती हुई राजेश के रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। राजेश दौड़ा दौड़ा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता और अंदर से कुछ आवाजें आती है। राजेश आखिर उस गेट को तोड़कर अंदर जाता है। अंदर देखता है तो पूरा रूम उथल पुथल था, सब चीजें यहां वहां बिखरी थी, प्लेट कप गिलास सब यहां वहां टूटे हुए बिखरे पड़े थे। राजेश ये सब देख के चौंक जाता है और सामने रखी चेयर हिलने लगती है। राजेश जोर से कहता है, कौन है वहां? और राजेश का फोन बजता है। राजेश फोन उठा के कहता है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? सामने से एक आवाज आती है, राजेश चिल्ला के कहता है, कौन हो तुम और चाहते क्या हो, क्यों नहीं सामने आते मेरे? और सामने से एक आवाज आती है, ये घर नहीं बिकेगा, निकल जा यहां से नहीं तो मारा जाएगा। यह आवाज सुन के राजेश तुरंत अपना सामान उठा के वहां से भागता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और निकलते वक्त घर की तरफ देखता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। राजेश सामने चाय की शॉप पर ही जाकर बैठ जाता है और सारी रात वहीं बैठे बैठे बिता देता है। सुबह जब शॉप पर बूढ़े काका आते हैं तो उनके आते ही राजेश उनसे पूछने लगता है, काका मैंने उस घर में बहुत अजीब चीजें देखी हैं, बहुत अजीब चीजें महसूस की हैं, प्लीज आप मुझे बताइए क्या राज है उस घर का? बूढ़े काका कहते हैं, कुछ महीनों पहले एक आदमी, उसका बेटा, उसकी बहू और उनके दो बच्चे यहाँ रहते थे। उस आदमी के बेटे की नौकरी बाहर थी और उसकी बीवी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। बेटे के बोलने के बावजूद भी उसके पिता उस घर को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि इस घर में उनकी बीवी की यादें थीं, तो वो उस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते थे। आखिर उस आदमी के बेटे ने अपनी बीवी और बच्चों को लेकर हमेशा के लिए अपने पिता को छोड़ के चला जाता है। कुछ टाइम बाद कुछ 3-4 गुंडे वो उस घर पर कब्जा करने के लिए उस आदमी को घर में ही मार देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। कुछ टाइम बाद से एक एक करके उन गुंडों की लाशें उस घर से मिलने लगी। कहते हैं साहब उस आदमी की रूह उसी घर में रहती है और वो इस घर को कभी नहीं बिकने देगी। आपने अगर इस घर पे कब्जा करने की सोची होती तो शायद आप भी उस घर से जिंदा नहीं लौटते साहब, आप इसे खरीदने आए हो। साहब ये घर ना कभी पहले बिका था ना ये बिकेगा, भला इसी में आप यहाँ से चले जाएं। इतना सुनते ही राजेश वापस अपने शहर लौट जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे।